सोनगीर वार्ताहर येथील मोमीन समाजातर्फे गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव समारंभ नुकताच संपन्न झाला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी सोनगीर ग्रामपंचायत सदस्य आरिफ खान पठाण हे होते. मोमीन समाजातील विविध क्षेत्रात यश प्राप्त करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या समाजातर्फे गुणगौरव करून सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ग्रामपंचायत सदस्य शफीउद्दीन पठाण, शरीफ शेख उर्फ मुन्ना भाई, इरफान कुरेशी, मजहर खान पठाण, राजगुरुनगरहून आलेले करीम शेख, वजीउद्दीन शेख, निसार शेख, हाजी उस्मान शेख, गफ्फार शेख हे होते. अध्यक्षस्थानावरून बोलताना आरिफ खान पठाण यांनी सांगितले की या आधुनिक क्षेत्रात जो शिकेल तोच टिकेल. या आधुनिक काळात शिक्षणाशिवाय काहीच साध्य होत नाही. आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाची तयारी प्रायमरी पासून लक्ष केंद्रित करून घ्यावी, कारण या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थी मन लावून अभ्यास करतील तरच पुढे यशस्वी होतील. त्यासाठी आपल्या पाल्यांना घरातूनच शिक्षणाचे धडे देऊन शैक्षणिक दृष्ट्या सबळ करण्याची तयारी ठेवावी. शाळेवर किंवा शिक्षकांवर निर्भर न राहता आपण त्याची तयारी करून घेतली तर तो स्पर्धेत टिकेल व पुढे उच्च शिक्षणात यश प्राप्त करेल असे सांगितले. मोमीन समाजातर्फे आदनान शेख, सुफियान शेख, अनस मोमीन, तब्रेज मोमीन यांनी शिक्षणावर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. यांच्यासह गुणवंत विद्यार्थी वसीम मोमीन, आवेश मोमीन, फरहान मोमीन, रेहान मोमीन, महेक नास, तंजिला, आरशीन, रुकसार, निखात या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र व बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी समाजातील ज्येष्ठ नागरिक हाजी उस्मान मोमीन, गफ्फार मोमीन, रहीम मोमीन, रज्जाक मोमीन, रशीद मोमीन, मुस्तफा मोमीन, नसीर मोमीन यांचाही सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी बशीर मोमीन, जुल्फेकार मोमीन, शानुद्दीन मोमीन, रईस मोमीन, वजीउद्दीन मोमीन, उमर मोमीन, फिरोज मोमीन, मोबीन मोमीन, रियाज मोमीन, जमील मोमीन, अफजल मोमीन, असलम मोमीन यांनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन शेख अमीन शेख अरमान मोमीन यांनी केले. आज के इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं मोमीन बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कहते वक्त ये कहा कि छोटा प्रोग्राम, लेकिन मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने दिया. और हर साल इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं ताकि बिरादरी के जो बच्चे हैं उनकी यकीनी तौर से मुबारकबाद की अब सही गई. मैं दिल की अति गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं. और वालिदैन की खिदमत के जो मामला है, तो वालिदैन और हमारे पेरेंट्स जो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, सुबह से उठ के शाम तक कमाई करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कोई अच्छा बने, अच्छे नंबरों से कामयाब हो, वो टेंथ में अच्छे नंबर मिले, ट्वेल्थ में मिले, डिप्लोमा हो, डिग्री मिले और एक अच्छी सी नौकरी करे. नौकरी करना मकसद नहीं है, लेकिन वो जिंदगी के अंदर अगर कोई एजुकेशन हासिल करता है, कुछ सीखता है, तो वो जिंदगी की जो जरूरियात है, जिंदगी की जो मालूमात है, वो पढ़ लिख कर एक अच्छे तरीके से एक अच्छा इंसान बनता है. इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, वरना हम यूं सोच हमारे जहनों से निकाल दें कि सिर्फ हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसे नौकरी मिलना चाहिए. नौकरी मकसद नहीं है. आला तालीम हासिल कर भी हम बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो इल्म के मुताबिक भी आपने उसके अंदर एक एडिशनल ऐड किया और बहुत अच्छे अंदाज में, छोटे छोटे बच्चे थे मगर बहुत अच्छी तफसीलात के साथ उन्होंने उस पर रोशनी डाली. तालीम के मामले में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए. तालीम का एक मियार ऐसा है जो अभी मदर भाई ने अपनी मुख्तसर दो चार बातें बताई, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छी रोशनी डाली कि ये प्रोग्राम हम तो करते हैं हर साल, यकीनी तौर से बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए. सिर्फ मोमिन बिरादरी में नहीं, तमाम बिरादरियों में होना चाहिए और गांव लेवल पर भी होना चाहिए, मगर ये सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर महत्व न रहे, इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं. जैसे कि
आज अगर प्रोग्राम लेते हैं तो प्रोग्राम के लिए जैसे बच्चों के 15 दिन पहले से महीने पहले से हम तैयारियां करते हैं और बच्चा अपने आप को जब पेश करता है, जब वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर पेश करता है और वो बताता है कि भाई देखो मैंने कितने अच्छे और यकीनी तौर पे उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए। मगर यही मेहनत जो मदरवाही ने कहा कि यही मेहनत अगर पेरेंट्स रोजमर्रा की जिंदगानी में अगर उसको वक्त दे, जैसा आज वक्त दिया जाता है बेटा तुझे तकरीर में वहां पर बयान करना है तो तेरी अच्छी से तकरीर हो, अगर यही वो रोजमर्रा की जिंदगानी में अगर ये सोचे कि बेटा तुझे जाके एक अच्छे नंबरों से कामयाब होना है, पहली में तू फर्स्ट आना चाहिए, दूसरी में तू फर्स्ट आना चाहिए और उस पर मेहनत की जाए, उस पर गौर फिक्र की जाए, तो यकीनी तौर से इंशाल्लाह वो बच्चा जरूर आगे बुलंदी पे पहुंचेगा और उसका स्किल बढ़ेगा और वो कामयाब होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जो अटैचमेंट आपने जो रखी बहुत ही तारीफ के काबिल है।